प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर का धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। कुछ कारणवश आप लोगों के बीच में कई समय से आपके परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं आ पाया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज इस समय दिया परमेश्वर ने कि मैं आप लोगों के बीच में यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:1-2-3 वचन को आप लोगों के बीच में लेकर आऊँ। आज हम इस बात को जानेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। जब इन वचनों को हम सुनते हैं, जब इन वचनों को हम देखते हैं और इसके अनुसार चलते हैं और हम सोचते हैं, मनन करते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हमारे जीवन में बदलाव को लेकर आता है, आशीष को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस वचन में ऐसा कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और वह काट डालता है और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 15:3 में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। इस वचन को हम सबसे पहले इस बात को जानेंगे। मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अपने जीवन से मानते हैं, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद जी उठा और हमें लेने के लिए आएगा, प्रभु का वचन कहता है कि तुम शुद्ध हो चुके हो जो वचन यीशु मसीह ने कहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आप और मुझे ये नहीं कहता कि तुम अपनी ताकत से अपनी सामर्थ्य से करो, परंतु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम शुद्ध हो चुके हो, तुम शुद्ध हो चुके हो, प्रभु का वचन कहता है। मेरे प्रियो, इसमें अब हम देखेंगे 15:1-2, यीशु मसीह अपने आप को कहता है मैं सच्ची दाखलता हूँ और परमेश्वर पिता को कहता है कि मेरा पिता किसान है। मेरे प्रियो, आज हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हैं, यीशु मसीह एक दाखलता है और हम डाली है। मेरे प्रियो, हम अपने आप को एक डाली के रूप में देखेंगे। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है। कहता है जब यीशु मसीह के साथ हम जब जुड़ते हैं, जब उस दाखलता में हम उस एक डाली के समान जुड़ते हैं, जब हमारे जीवन से फल नहीं आती तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वह उसे काट डालता है और जो फलता है उसे वह छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहता है कि और नहीं फलती उसे काटता है और जो फलती है उसे छांटता है और ताकि फले। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह का वचन इससे आप और मुझे उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर पिता एक किसान है हमारे जीवन के लिए। हम एक डाली है, यीशु मसीह दाखलता है और हमारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा क्या है, एक किसान। जब किसान एक पेड़ की छटाई करता है, बहुत ध्यानपूर्वक से छटाई करता है, देखभाल की छटाई करता है ताकि वहाँ कोई भी गलत तरीके का टहना ना कट जाए या किसी भी प्रकार का हानि ना हो। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर भी आप और मुझे इस प्रकार से छांटता है। कैसे छांटता है? ताकि बहुत ऐसे फल लाए जो हमारे जीवन में है। प्रभु का वचन कहता है कि जो नहीं फलती उसे काट डालता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, ऐसे कार्य हैं जो नहीं फलती, जैसे कि हम झूठ बोलते हैं, हम बुरी बुरी बातें करते हैं, गालियाँ देते हैं, नशा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। प्रभु का वचन कहता है कि ये चीज़ नहीं फलती, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इसे काट डालता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के अधीन होकर अपने आप को जीवन समर्पित कीजिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही है जो हमारे जीवन से सारे गंदगी की जड़ों को निकालती है, छांटता है, एक बहुत प्यार से छांटता है ताकि हमारे जीवन में हम फल ला पाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, इस वचन को फिर से मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि जो नहीं फलती हो उसे काट डालता है। मेरे प्रियो, जब किसी चीज़ को काट दिया जाता है वो दोबारा काम नहीं आता, पर जब उसे छांटते हैं वो काम अब हो जाता है। छांटने का अर्थ है कि हमारे जीवन से सारी गंदगी बातें, गलत गलत चीज़ें प्रवेश में से हमारे जीवन से छांटते हैं और हमारी ज़िंदगी से जो हम कोशिश करते हैं अपनी संपूर्ण हृदय से, संपूर्ण ताकत से हम कोशिश करते हैं और हम हार जाते हैं।
प्रभु का वचन कहता है कि वह उसे काट डालता है। मेरे प्रियो, आप पर मैं अपनी ताकत और सामर्थ्य कुछ नहीं कर सकते। पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, आप पर मैं संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर निर्भर हो जाए। आपका और मेरा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का मालिक है, जो सब कुछ कर सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में कहता है, हम जब पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन में कहता है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, पुराने नियम में कहता है कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। मेरे प्रियो, सिद्ध हम तभी होते हैं जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीते हैं। उसके लिए हम पवित्र आत्मा पर संपूर्ण रीति से निर्भर हो जाए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच में मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता एक गार्डनर है, एक किसान है, जो देखभाल करता है बहुत प्यार से। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, अपने मित्रों में साझा कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।